फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा फ्रंट नेक डिजाइन की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फ्यूज पेपर लिया है, ये इस टाइप का। इसका नाप बताते हैं, इसका चौड़ाई है, लंबाई है 8.5 इंच और लंबाई है 10 इंच, चौड़ाई है 8.5 इंच। अब इसमें हमें डिजाइनिंग बनानी है, तो यहाँ से हमें इसको ऐसे डबल करनी है। डबल करने के बाद इसको इस तरीके से लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, ये 2.5 पे हमने लगा लिया। उसके बाद इसकी लंबाई लेंगे 6 इंच। उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे। उसके बाद इसी में हमें डिजाइनिंग बनाना है, तो नीचे हार्ट शेप देंगे ऐसे। उसके बाद फिर से हमें ऐसे लेना है, इस टाइप का डिजाइनिंग बनाना है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा और डार्क ऐसे। उसके बाद यहाँ से हमें ऐसे लेना है और यहाँ तक ऐसे मिलाना है। अब कर लेंगे इसकी कटिंग। तो ये करते हैं, ये। उसके बाद यहाँ से हार्ट वाला शेप बनाएंगे, यहाँ से फिर ये देखिए, ये हो गई कटिंग। यहाँ पे हमें 100 बटन यहीं पे लगाना है। अब इसको एक एक इंच छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, एक एक इंच छोड़ते हुए कटिंग करेंगे ऐसे। फिर यहाँ से अब इसकी शेप में हमें कटिंग कर देना है। बराबर से ये हमने कटिंग कर लिया। अब इसको हमें फैब्रिक पे चिपकाना है, तो वो चिपकाते हैं फैब्रिक पे। इसको चिपका लेना है इस तरीके से, आयरन कर लेना है। यहाँ पे हमने इस पे चिपका लिया है ऐसे। अब उसके बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए सारे को कटिंग कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है। इस तरीके से हम ऊपर से भी उसका जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इसको सब साइड से फोल्ड कर लेंगे। हैं इसको चिपकाएंगे अपने गले पे। आगे वाला पल्ला लिया है, इसको भी सेंटर ऐसे कर देना है। उसके बाद हमें इसको आगे के साइड से चिपकाना है, तो इसको भी हमें ऐसे लेना है। उसके बाद यहाँ से ऐसे लेना है और एक रफ स्टिच करना है। हमने रफ स्टिच करके इसको चिपका लिया है। उसके बाद अब किनारे किनारे से सिलाई ऐसे ऐसे लगाना है, जैसे जैसे डिजाइनिंग है बस वैसे हमें डिजाइन लगाते जाना है सिलाई। जैसे शेप है वही शेप में हमें लगाना है। फिर इधर से Thank you.
फिर इधर साइड से सब साइड से सिलाई हमने लगा दिया। अब जो भी एक्स्ट्रा है हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए हमें कटिंग कर देनी है ऐसे। फिर इधर से ये देखिए यहाँ पे हमने बीच का निकाल लिया कट करके। अब ये वाला का निकालते हैं। फिर इधर से अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगानी है ऐसे पूरे में। हमें कट लगा लिया हमने छोटे छोटे। अब इसको पलट कर सीधा करना है। पहले ये किनारा निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से। हमने इसको अच्छे से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से 100 बटन लगाएंगे। इनको हम कैसे टाकेंगे यहाँ देखिए। यहाँ से हमें ऐसे लेना है इस तरीके से ऐसे। उसके बाद यहाँ हमें टाकना है ऐसे। उसको इधर से इसमें लेना है और इसमें टाकना है। ये देखिए ऐसे 2-3 बार इसको टाकेंगे। तरीके से हमने टाक लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम यहाँ से ऐसे लेंगे और 2-3 बार में कट कर लेंगे ऐसे। ये तो यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया। नेक बनकर रेडी हो गई। ये देखिए कितना सिंपल में है कितना खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरीके का नेक डिज़ाइन आप इजीली किसी भी कुर्ती में बना सकते हैं। आज की ये नेक डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कॉमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।